जिला कलेक्टर के वीएस चौधरी के अथक प्रयासों से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की महिलाओं को मिला रोजगार। मुर्गी पालन के माध्यम से महिलाओं में जिला कलेक्टर के प्रति हर्ष। एमपीयूस कॉस्ट से अनूप दुबे की विशेष रिपोर्ट। मैं आदिवासी महिलाओं ने चर्चा में बताया कि जिला कलेक्टर के वीएस चौधरी ने लगातार ग्राम में आकर महिलाओं को खुद के रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करके प्रशिक्षण दिलवाकर महिलाओं को ग्राम में मुर्गी पालन का रोजगार दिलवाया। जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिचवा के आश्रित ग्राम को डबरा और भलबारा में महिलाएं खुद का रोजगार गांव में मिलने से जिला कलेक्टर के प्रयासों से संभव बताती है। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले में अपनी पदस्थापना से लगातार आदिवासी महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर ग्राम देहरी भलवारा को डबरा आमझाल और कोठी में प्रयास कर तकरीबन 200 महिलाओं को मुर्गी पालन के माध्यम से रोजगार देने पहल की, जिसे देखकर आसपास के ग्रामों की आदिवासी महिलाएं भी मुर्गी पालन के लिए उत्सुक नजर आई। ढीमरखेड़ा से अनूप दुबे। कौन से गांव की रहने वाली? कब से कर रही है मुर्गी पालन का? किसके माध्यम से हो रहा? कलेक्टर साहब आए थे आपके गांव? क्या समझाया उन्होंने? ये समझाए कि मुर्गी फार्म में बहुत फायदा होने वाला है। इसके पहले आप क्या काम करती थी? मजदूरी करती थी। कितने दिन पहले आए थे ये मुर्गी के बच्चे? बड़े हो गए? अभी इनकी बिक्री के संबंध में कुछ? बिक्री के समय तो बोल रहे थे कि वजन कम है इसलिए। और गांव की दूसरी महिलाओं के यहाँ जो मुर्गी पालन चल रहा है उनके यहाँ वजन ज्यादा है, तो उनके बच्चे चले गए हैं बाहर। और गांव में कितनी महिलाएं कर रही हैं ये काम? ये महिला हमारे मोहल्ले में तीन ही। तो अलग से। क्या नाम भाई आपका? सुहाद्रा भाई। कब से आप कर रही हैं मुर्गी पालन का काम? एक माह से। किसने सलाह दी थी? कलेक्टर साहब। गांव आए थे आपके? हाँ यहाँ आए थे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप ये मजदूरी करो, किसी के कहीं जाओ ना, घर बैठे आपको मैं यहाँ मजदूरी मिलेगी। जब से बच्चे आए हैं तो उनका वजन बढ़ा है अभी? हाँ बढ़ा है। कितने बच्चे बिक्रे के लिए चले गए हैं? 4 क्विंटल 75 किलो चले गए। आपको घर बैठे रोजगार मिला है, इसमें आप किसको बधाई देंगे? किसका से किसके सहयोग से ये रोजगार मिला है? कलेक्टर साहब। इसके पहले कोई आया था आपके गांव? नहीं आया। रोजगार के लिए कि आप मजदूरी मत करो, खुद का रोजगार करो? कलेक्टर साहब आए। कितनी महिलाएं कर रही हैं आपके गांव में ऐसा काम? यहाँ तीन हैं, वहाँ उस मोहल्ले में 7 महिलाएं हैं। इस काम में और कोई समस्या तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। कलेक्टर साहब के अथक प्रयास से 4 महीने से लगातार हमने पोल्ट्री फार्म का कार्य चालू हुआ, जिससे कि जिसके अंतर्गत 10 पोल्ट्री फार्म कंप्लीट होने के बाद उसमें 1 महीने पहले चूजे आए और वो चूजे बड़े होने के बाद बिक्रय के लिए सप्लायर के माध्यम से चले भी गए। ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं को इस रोजगार से जोड़ा जा रहा है? 59 महिलाओं को इस मुर्गी पालन के रोजगार से जोड़ा जा रहा है अभी तक। इसके पहले गांव की महिलाएं क्या करती थी? इसके पहले गांव की महिलाएं मजदूरी करने जाती थी। रोजगार मिलने के बाद गांव की महिलाएं कैसा महसूस करती? रोजगार मिलने के बाद जब इसका सप्लाई हुआ तो बहुत ही प्रसन्नता की से कम समय में अधिक मजदूरी और घर बैठे रोजगार के से वो लोग प्रसन्नता व्यक्त किए। इसके लिए वो किसको महत्व देती हैं? किसके कारण मिला है रोजगार? इसके लिए सबसे पहला श्रेय तो कलेक्टर साहब को श्रेय जाता है, जो कि लगातार सप्ताह 1 सप्ताह 15 दिन में वो आकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाए और लगातार प्रयास करने के साथ ही ये पोल्ट्री फार्म का कार्य जो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। किस पद में है? JRS। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत।